वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लुब्रिकेशन के संबंध में जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक इंजन में लुब्रिकेशन क्यों किया जाता है और क्यों आवश्यक है, और यदि लुब्रिकेशन एक इंजन में न करें तो क्या इंजन के कंपोनेंट्स पर इफेक्ट पड़ेंगे, इसके संबंध में जानते हैं। तो जानते हैं कि जैसे आप एक इंजन में कुछ ऐसे मूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से रगड़कर चलते हैं, और रगड़ के चलने के दौरान उन कंपोनेंट्स में हीट जनरेट होती है और कंपोनेंट में घिसावट आती है, और उस इंजन द्वारा जो आउटपुट एनर्जी है उस आउटपुट एनर्जी का ह्रास होता है। तो ये कुछ इंजन में लुब्रिकेशन नहीं होने के कारण होता है। तो जानते हैं लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन को हिंदी में कहा जाता है स्नेहन। यदि इंजन के मूवेबल कंपोनेंट में स्नेहन न हो तो वे कंपोनेंट जब इंजन के अंदर एक दूसरे से रगड़कर चलने के कारण उसमें हीट जनरेट होती है, समझते हैं इंट्रोडक्शन के माध्यम से। और दूसरा कारण होता है पावर आउटपुट और तीसरा जो कारण होता है पार्ट्स डैमेज। जैसे आप जानते हैं कि जब मूवेबल कंपोनेंट्स एक दूसरे से रगड़ के इंजन के अंदर चलते हैं और उसमें लुब्रिकेशन ना हो तो लुब्रिकेशन नहीं होने के कारण इंजन के अंदर मूवेबल कंपोनेंट्स एक दूसरे से रगड़ के चल रहे हैं, और वहां जब रगड़ के चलते हैं तो उन कंपोनेंट्स के बीच में फ्रिक्शन अधिक होता है, और उस फ्रिक्शन अधिक होने के कारण उन कंपोनेंट्स में हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट होने के कारण उन कंपोनेंट्स में फैलाव आता है, और वे कंपोनेंट्स एक समय ऐसी स्थिति बन जाती है कि फैलाव होने के कारण वे चिपक जाते हैं। उसी प्रकार से पावर आउटपुट, एक इंजन जब पावर जनरेट करता है तो पावर जनरेट करने के दौरान और माना जाता है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा वह इंजन पावर आउटपुट दे, लेकिन कंपोनेंट में फ्रिक्शन बढ़ने के कारण या लुब्रिकेशन नहीं होने के कारण जो इंजन द्वारा जनरेट पावर है उन कंपोनेंट को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में शक्ति खर्च हो जाती है, जिससे उस इंजन से जो पावर मिलनी चाहिए, जो आउटपुट मिलना चाहिए पावर का, वो कम मिल पाता है। उसी प्रकार से फ्रिक्शन बढ़ने के कारण वे कंपोनेंट्स मूवेबल कंपोनेंट्स डैमेज हो जाते हैं, जिससे वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए एक इंजन में स्नेहन किया जाता है, मतलब लुब्रिकेशन किया जाता है। तो लुब्रिकेशन इंजन के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे इन हानियों से बचा जा सकता है लुब्रिकेशन करने के दौरान। तो लुब्रिकेशन करना क्यों आवश्यक है, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि भाई एक इंजन में जब मूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं, मूवेबल कंपोनेंट्स में फ्रिक्शन बढ़ा, और फ्रिक्शन के दौरान इंजन से आउटपुट अधिक लेना है और पावर अधिक जनरेट हो, तापमान कम जनरेट हो, पार्ट्स कम डैमेज हो, इस समस्या से बचने के लिए हम लुब्रिकेशन करते हैं। तो जानते हैं लुब्रिकेशन के अंतर्गत लुब्रिकेंट क्या होता है। तो समझते हैं, डेफिनेशन के अनुसार लुब्रिकेशन
कैंट, लुब्रिकेंट को हिंदी में कहा जाता है स्नेहा। तो लुब्रिकेंट का कार्य क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि दो मूवेबल कंपोनेंट के बीच जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे स्नेहन कहा जाता है। जैसे जानते हैं कि जब दो कंपोनेंट के बीच जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे लुब्रिकेंट या इसे हिंदी में कहा जाता है स्नेहक, उसे लुब्रिकेंट कहा जाता है। तथा इस प्रक्रिया को लुब्रिकेशन या इस प्रक्रिया को लुब्रिकेशन हिंदी में इसे कहा जाता है स्नेहन कहते हैं। और एक इंजन में लुब्रिकेंट के रूप में हम ऑयल का उपयोग करते हैं। जैसे समझते हैं कि मान लीजिए ये दो कंपोनेंट्स है, जब ये दो कंपोनेंट एक दूसरे से रगड़ कर चले तो स्वाभाविक बात है कि इन दो कंपोनेंट्स के बीच में हिट जनरेट होगा, जे कंपोनेंट्स डैमेज होंगे और इन कंपोनेंट को चलाने के लिए इंजन द्वारा जो पावर जनरेट होती है वो पावर अधिक खर्च होगी। तो इस समस्या से बचने के लिए हमने लुब्रिकेंट का उपयोग किया ऑयल के रूप में। तो ये लुब्रिकेंट दो कंपोनेंट्स के बीच में एक पतली फिल्म बनाती है जिससे दोनों कंपोनेंट की जो सरफेस होती है वे सरफेस एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाती है। और जब एक दूसरे के संपर्क में ये नहीं आएगी और जब ये कंपोनेंट एक दूसरे से रगड़ कर चलते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर भी कम जनरेट होगा और फ्रिक्शन भी कम होगा और इन पार्ट्सों को चलाने में इंजन की शक्ति भी खर्च कम होगी। तो इस प्रकार से यहाँ जो लुब्रिकेंट जो ऑयल हम प्रयोग कर रहे हैं ये इंजन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए और टेम्परेचर को कम करने के लिए और कंपोनेंट में घिसाव को कम करने के लिए हम यहाँ पर लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल का उपयोग करते हैं। समझते हैं जैसे हम किसी फर्श पे चल रहे होते हैं तो फर्श पे चलने के दौरान वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है जिसके सहायता से हम आसानी से चल जाते हैं। और उसी फर्श पर यदि मान लिया जाए पानी डाल दिया जाए तो पानी की एक वहां पर फर्श बन जाती है, एक परत बन जाती है जिससे हमारे पैरों के बीच और उस फर्श के बीच में एक पतली फिल्म बन जाती है जिससे हम आसानी से नहीं चल पाते हैं, फिसलने की संभावना होता है। तो लेकिन आराम से चल तो जाते हैं क्योंकि वहां पे पानी लुब्रिकेशन को कम तो करता है लेकिन पूर्ण रूप से कम नहीं कर पाता है। और यदि मान लिया जाए कि पानी के स्थान पर हमने लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल का उपयोग किया उसी फर्श के ऊपर और हम चलने का प्रयास करेंगे फर्श के ऊपर तो हमारे पैरों और पैर और उस फर्श के बीच में लुब्रिकेंट ऑयल की एक पतली फिल्म बन जाएगी जिससे उस फर्श और हमारे पैरों के बीच का संपर्क टूट जाएगा। और जब हम वहां चलें तो चलने के दौरान क्या होगा कि हम फिसल जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक लुब्रिकेंट जो होता है दो मूवेबल कंपोनेंट्स के बीच में
फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इंजन में बहुत से मूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं, उन मूवेबल कंपोनेंट्स में फ्रिक्शन को कम करने के लिए और उन पार्ट्सों की घिसावट को कम करने के लिए, फ्रिक्शन के दौरान जनरेट टेम्परेचर को कम करने के लिए जो लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं और उस लुब्रिकेंट के रूप में हम ऑयल का प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है लुब्रिकेंट या स्नेहक, या जो प्रक्रिया होती है लुब्रिकेंट करने की उसे कहा जाता है लुब्रिकेशन, या हिंदी में उसे कहा जाता है स्नेहक। तो इस प्रकार से हम एक इंजन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए और फ्रिक्शन को कम करने, टेम्परेचर को कम करने के लिए लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल का उपयोग करते हैं। तो जो लुब्रिकेंट का जो ऑयल का हम उपयोग करते हैं वो जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट के कुछ प्रकार हैं, जैसे जानते हैं पहला प्रकार द्रवित स्नेहक, द्रवित स्नेहक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विड लुब्रिकेंट। द्रवित स्नेहक एक पॉपुलर लुब्रिकेंट है। आपने जैसे आप सभी लोग जानते हैं इंजन में प्रयोग किया जाता है और पॉपुलर स्नेहक होता है जिसके रूप में हम ऑयल का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा प्रकार होता है इसका अर्ध सॉलिड स्नेहक, इसे हम इंग्लिश में सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट कहते हैं। अर्ध सॉलिड स्नेहक के रूप में हम ग्रीस का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं ग्रीस क्या होता है। ये प्राकृतिक रूप से ग्रीस नहीं मिलता है, इसे बनाया जाता है और इस ग्रीस का उपयोग इंजनों में या और भी कुछ मशीनों में प्रयोग किया जाता है। स्पिंडल जहाँ कंपोनेंट्स होता है वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार है इसका ठोस स्नेहक। ठोस स्नेहक को इंग्लिश में कहा जाता है सॉलिड लुब्रिकेंट। ठोस स्नेहक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है जो मूवेबल कंपोनेंट्स के बीच में, ये होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा लुब्रिकेंट है और उस स्थान पे किया जाता है जहां पर ज्यादा अधिक लोड हो, अधिक लोड वाले कंपोनेंट में जहां लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है उस स्थान पर ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के लुब्रिकेंट प्रयोग किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं द्रवित स्नेहक को। द्रवित स्नेहक ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, समझते हैं। देयर आर फोर टाइप लुब्रिकेंट, ये चार प्रकार के होते हैं, जानते हैं। पहला जो प्रकार होता है इसका लुब्रिकेंट का मिनरल ऑयल। पहला प्रकार होता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल को हिंदी में कहा जाता है खनिज तेल। और इसका जो दूसरा प्रकार होता है ये होता है ऑर्गेनिक ऑयल। ऑर्गेनिक ऑयल। और इसका जो तीसरा प्रकार होता है ये सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल।
और चौथा प्रकार लिक्विड, चौथा जो द्रवित स्नेक का जो चौथा प्रकार होता है वो ब्लेंडेड ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल। तो इस प्रकार से जो लुब्रिकेंट द्रवित जो स्नेहक होता है उसके चार प्रकार होते हैं, मिनरल ऑयल, ऑर्गेनिक ऑयल, सिंथेटिक ऑयल और ब्लेंडिंग ऑयल। तो इसमें जो मिनरल ऑयल होता है खनिज तेल होता है, इसे खनिज तेल बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल होता है वो क्रूड ऑयल से बहुत से जो द्रवित फ्लूड होते हैं या रिफाइन द्वारा पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है और डीजल रिफाइन किया जाता है, एक शुद्ध पदार्थ होते हैं जो ईंधन फ्लूड के रूप में प्रयोग करते हैं। और इसी क्रूड ऑयल के क्रूड से हम खनिज तेल भी निकालते हैं या मिनरल ऑयल को भी उसी निकालते हैं, और चार तार को और केरोसिन अन्य जो पदार्थ होते हैं वे सभी मिनरल प्रोसेस द्वारा बाहर अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये जो खनिज तेल होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो खनिज तेल मुख्य रूप से जो होते हैं ये दो प्रकार से युक्त होते हैं। और पहला जान सकते हैं कि जो पैराफिन युक्त, पैराफिन युक्त, और जो दूसरा होता है, दूसरा ये नेप्था निक। तो पैराफिन जो खनिज तेल होता है ये एक्चुअल में मोम की मात्रा होती है इस मिनरल ऑयल में, मतलब ये जो खनिज तेल होता है, जो मिनरल ऑयल होता है ये मोम युक्त होता है, मोम युक्त होता है। तो इस मिनरल ऑयल में मोम की मात्रा होती है और जिससे ये इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जब इस ऑयल को अधिक तापमान पर ले अधिक तापमान पर रखा जाए तो यह स्थायित्व बनाकर रखता है, अपना स्थायित्व बनाए रखता है। इसमें किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है, ये अधिक तापमान पर भी रखा जाए तो ये स्थायित्व बना रखा जा सकता है। और उसी में यदि नेप्थानिक के भी खनिज तेल को प्रयोग किया जाए तो ये उतना अधिक तापमान पर स्थायित्व नहीं बना के रख पाता है। तो इस प्रकार से मिनरल जो ऑयल होता है ये खनिज तेल हो गया, पैराफिन युक्त होता है और नेप्थानिक युक्त होता है। तो इस प्रकार से जैसे आप जानते हैं खनिज मुख्य खनिज तेल से होते हैं, और जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल, और इसके अलावा और भी ऑयल के प्रकार से होते हैं, या इसे बोल सकते सर्कुलेटिंग ऑयल। ऐसे खनिज तेल के और भी प्रकार से हैं जो हम मुख्य रूप से इंजन की दृष्टि से तीन प्रकार दो प्रकार के जानते हैं। इंजन ऑयल, तो इंजन ऑयल जैसे आप जानते हैं कि इंजनों में SAE 30 या 40 ग्रेड का इंजन ऑयल प्रयोग करते हैं, और गियर ऑयल SAE 90 ग्रेड का इंजन प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो ऑयल्स होते हैं ये प्रयोग किए जाते हैं। ओके, थैंक यू।